Uh, good morning to all of you uh, next we will study about uh, fungi mucor we have completed fungi albugo and fungi phytophthora now the next fungus is mucor fungus so first of all we will study about its occurrence एंड हैबिट अक्रेस एंड हैबिट तो इसकी अक्रेंस कहा होती है? हैबिट कैसी कैसी है ये अपने चार पांच पॉइंट याद रखेंगे ठीक है तो अक्रेस का जो पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड विथ अक्रेंस इज ऑल स्पीसीज ऑफ म्यूकर all species of mucor fungus grow as saprophytes मतलब कि जितनी भी स्पीशीज़ फंगस म्यूकर की हैं, वो ग्रो करती हैं सेप्रोफाइट फॉर्म में इट विल ग्रो इन फॉर्म ऑफ सेप्रोफाइट्स मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये ग्रो करेंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट फंगस कॉल्ड एज ब्रेड फोल्ड ब्रेड तो आप सभी खाते होंगे ठीक है तो ब्रेड मोल्ड कहा जाता है इसको क्योंकि जनरली जो वेट ब्रेड होती है उसमें यह फंगस अपने को ग्रो कर जाएगी बिकॉज यस इट ग्रो ऑन मॉइस्ट मॉइस्ट ब्रेड ठीक है तो ये दूसरा पॉइंट हो गया ब्रेड मोल्ड भी कह देते हैं इस फंगस को हैबिट या हैबिटेट की बात करते हैं तो इसका कॉमन हैबिटेट क्या है कॉमन हैबिटेट ऑफ म्यूकर फंगस इज कौन कौन से हैं तो एक तो आप याद रख रहे हैं जैम्स जैम खाते हैं हम ठीक है जेलीज़ खाते हैं जेलीज़ स्पंजी टाइप की होती है खाते होंगे आप सब डिकेइंग वेजिटेबल्स जो वेजिटेबल सड़ रहे हैं डिके कर रहे हैं डिकेइंग वेजिटेबल्स ठीक है एंड वेजिटेबल्स के साथ साथ एक चीज और याद रख लो आप फ्रूट्स तो ये इनके कॉमन हैबिटेट होते हैं तो आप कहते हैं अरे जैम सड़ गया जेली खराब हो गई वेजिटेबल जो अपने लेके आए थे ये सड़ गए इस फ्रूट में से बदबू आ रही है तो ये फंगस म्यूकर इन कॉमन हैबिटेट में मिल जाएगी अपने को अब मैं कुछ आपको दो तीन स्पीशीज बताऊंगा म्यूकर की स्पीशीज ऑफ म्यूकर जो कि अलग अलग हैबिट में हैबिटेट में ग्रो करती है ठीक है कौन कौन सी स्पीशीज है तो सबसे पहले अपने एक स्पीशीज याद कर लो आप इजी स्पीशीज है म्यूकर म्यूकर इसको मैंने एम से शो कर दिया रेस मोस आर ए सी ओ एस यू एस रेस लगाते हैं ना अपने तो उससे आप याद कर लो रेसमोस एंड इट इज ए कॉमन कॉमन एयर कंटेमिनेंट एयर कॉन्टामिनेंट समझ में आ गई आपको बात ये एयर कंटामिनेशन या इस फंगस के थ्रू जो एयर है वो कंटामिनेटेड हो जाती है नेक्स्ट एक स्पीशीज और बताता हूं आपको म्यूकर इसको मैंने एम से शो कर दिया ठीक है ये दिख रहा होगा आपको एम से शो कर दिया म्यूसेडो म्यूस Muc, जैसे माइस होते हैं ना तो उससे आप याद कर लो म्यू और ये क्या करेगा हॉर्स डंग पे ग्रो करेगा हॉर्स डंग जो है उस पे ग्रो करेगा इसलिए हम इसको एक टर्म और कह देते हैं इससे रिलेटेड ब्लैक मोल्ड क्या कह देते हैं ब्लैक मोल्ड एल डी ब्लैक मोल्ड ठीक है ये पार्ट हो गया इस फंगस का जो कि हॉर्स डंग पे ग्रो करता है हॉर्स डंग पे ग्रो करेगा ये तो ये याद रख लें ये एग्जांपल्स जो स्पीशीज हैं इनकी ये दिमाग में आप रखें एक थर्ड वन और बताऊंगा स्पीशीज लास्ट म्यूकर जैवेनिकस म्यूकर जैवेनिकस ठीक है जैवा कह दो या एक बाइक आती है जिसको हम क्या कह देते हैं जावा बाइक जावा बाइक सारी हैं तो ये जावा बाइक से रिलेटेड आप स्पीशीज याद कर लेंगे म्यूकर जैवनिकस और ये क्या करेगा इट कॉजेस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन सा फर्मेंटेशन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन दिस स्पीशीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन सो दीज आर सम बेसिक कंसेप्ट विच आर रिलेटेड विथ फंगस म्यूकर ठीक है अब नेक्स्ट पार्ट इसका अपने करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर म्यूकर की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं कैसी कैसी म्यूकर की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इजी है कोई डिफिकल्ट नहीं है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर म्यूकर की अगर आप देखते हैं इजी से डायग्राम है ठीक है कोई डिफिकल्ट नहीं है बस डायग्राम को आप थोड़ा सा याद रखें तो इजीली आप आ, वो बता सकते हैं जो उसकी स्ट्रक्चर है किसी भी पर्टिकुलर फंगस की तो पहला पॉइंट जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड है उसको आप कैसे बताएंगे से रिलेटेड बात करें फंगस की बॉडी कैसी होती है थैलस लाइक -like होती है ठीक है थैलस का मतलब क्या है कि द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन टू रूट स्टेम एंड लीव्स ठीक है तो इसमें जो पहला पॉइंट है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकर में फर्स्ट पॉइंट क्या है माइसीलियम माइसिलियम भी आपको पता है माइसिलियम क्या होता है मास ऑफ हाइफी माइसीलियम ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं अगर आप भूल गए हो तो मैं दोबारा लिख देता हूं मास ऑफ हाइफी माइसीलियम मास ऑफ हाइफी ग्रो ग्रोथ एक्सटेंसिवली ये टर्म याद रखना आप एक्सटेंसिवली मतलब कि जो ग्रोथ होगी वो एक्सटेंसिव एबंडेंट ओ सॉरी लार्ज अमाउंट में वो ग्रोथ दिखेगी बहुत क्लियर दिखेगी आपको ऑन पे सबस्ट्रेटम सबस्ट्रेटम का मतलब क्या है जहां की कोई भी हम बात कर रहे हैं अभी फंगस की वो उसके लिए पार्ट है जहां की वो ग्रो कर रहा है ठीक है सो माइसीलियम ग्रो एक्सटेंसिवली ऑन सब्सट्रेट अब दूसरी बात इससे रिलेटेड क्या है जो कि इसको और फंगस से डिफ्रेंशिएट करेगा ठीक है तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसका माइसीलियम माइसीलियम फॉर्म्स वाइट वाइट कॉटनी कॉटनी ग्रोथ ग्रोथ विच लेटर टन कलर्ड ड्यू टू एपियरेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज इसकी जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है डिफरेंट कैसे है कि एक तो जो माइसीलियम है इसका फंगस म्यूकर का ये एक्सटेंसिव ग्रोथ शो करेगा और जो वाइसिलियम है वो एक सफेद कलर का कॉटनी ग्रोथ बनाएगा जैसे कॉटन होता है ना उस तरीके से बनाएगा लेकिन जैसे जैसे टाइम और निकलेगा रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनने लग जाएंगी और जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनने लगेंगी वो उसके कलर को चेंज कर देगा मतलब कि वाइट से कोई और कलर हो जाएगा ठीक है ये समझ में आ गया आपको नेक्स्ट पॉइंट अब जो हाइफी है इसका हाइफी ऑफ फंगस म्यूकर फंगस म्यूकर वो कैसा होगा ग्रो प्रोस्ट्रेट कैसा ग्रो करेगा प्रोस्ट्रेट ग्रो प्रोस्ट्रेट राइजॉइड्स आर एबसेंट हाइफी का मैं ये डायग्राम अभी बनाऊंगा आपको डायग्राम बना देता हूँ तो उससे आपको ना पता चल जायेगा ये जो मैं कुछ टर्म्स यूज कर रहा हूँ कुछ वर्ड यूज कर रहा हूँ ठीक है तो डायग्राम अपने पहले देख ही लेते हैं बहुत ईजी डायग्राम है इसका कोई डिफिकल्ट डायग्राम नहीं है आपको क्या करना है पहले तो प्रोस्टेट सिस्टम बनाना है बीच बीच में से जगह थोड़ी सी छोड़ दें आप उसका भी मैं बताऊंगा क्या रीजन है ठीक है दूसरा इसमें क्या है ये देखें आप ये कंटिन्यूस लेयर मैंने यहां से कर दी ठीक है फिर इसके बाद और कैसे करेंगे आप ये जो है इससे एक फिलामेंट निकाल देंगे आप ये निकल गया दूसरा फिलामेंट मैं निकाल रहा हूँ यहां पे। ये थोड़ा नजदीक से ऐसे बना ले ये तीसरा फिलामेंट हो गया हाइट का कोई नहीं छोटे बड़े कुछ भी बना दो आप कोई ऐसा वो नहीं है इसमें ठीक है और थोड़ा सा बेंडिंग बना दो पोजीशन थोड़ी सी बेंडिंग बना दीजिए आप थी ठीक है इस पे मैं क्या दिखाऊंगा आपको ये देखें ये देखें ये गोल गोल सी ऐसी स्ट्रक्चर बना देंगे ठीक है ये गोल गोल सी ऐसी स्ट्रक्चर और इसको क्या करना है ऐसे इस तरीके से आप डॉटेड बना दीजिए ठीक है अब नेक्स्ट इसमें क्या थोड़ा सा और अपने इसको आ, मतलब माइसी हाइफी को थोड़ा सा और शो कर देते हैं अच्छी तरीके से और थोड़ा सा बना लो आप इस तरीके से बना लीजिए ठीक है ये ऐसे लिया है ये थोड़ा सा इस तरीके से कर लो है ना ये यहाँ आ गया ये पार्ट यहाँ आ गया ये ऐसे बना दो ये ऐसे इस तरीके से बना दीजिए यह बन गया ये बन गया ऐसे ऐसे आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्योंकि हम माइसीलियम और हाइफी की बात कर रहे हैं तो माइसिलियम जो होता है इट इज ए मैट लाइक आउट ग्रोथ तो थोड़ा उस फॉर्म में अपने को ये बनाना पड़ेगा तो ये क्या हो गए हाइफी हो गए इसको मैं लेबल कर देता हूँ हाइफी है ये दीज आर हाइफी समझ में आ गया और ये क्या है ये है यंग स्पोरेंजियम जो अभी अपने आगे बात करेंगे यंग स्पोरेंजियम की तो ये मैंने आपको अभी बताया क्या है कि जो फंगस म्यूकर है उसका हाइफी है कैसे प्रोस्ट्रेट। इरेक्ट होता है, ये खड़ा हुआ है ये प्रोस्ट्रेट है राइजोइड्स आर एब्सेंट ठीक है दूसरा एक पार्ट में हाइफी का एक ये मैं इसको लेबल कर दे तो नंबरिंग दे देता तो, ए नेक्स्ट अब अप अपने देख लेते हैं ये देखें अब आप ये क्या बन रहा है अपना ये भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको ये देखें ठीक है तो इसको आप ऐसे बना दो ऐसे बना दो ठीक है ये ऐसे बन गया इसको थोड़ा सा ना डार्क कर दो ये देखो आप इसको और डार्क कर दो डार्क कर दो इसको पूरा ठीक है ना ये देखो आप डार्क कर दो और इसमें ऐसे ये क्या बना रहा हूं ये मैं ये क्या चीज है ये है न्यूक्लियाई ये क्या है न्यूक्लियाई दिख गए आपको है? ये न्यूक्लियाई दिख जाएंगे ये दिख गए होंगे ठीक है ये ऐसे बना दीजिए तो इसको आप थोड़ा सा लेबलिंग भी करनी है अपने को ये हो गए न्यूक्लियाई ठीक है ये क्या हो गया इसमें ना कुछ मैं इस तरीके से ऑयल ड्रॉपलेट्स मतलब रिजर्व फूड मटेरियल शो कर रहा हूँ विच आर इन ऑयल ड्रॉपलेट्स ड्रॉपलेट्स ऐसे आप शो कर दो डॉटेड है ना ये ऑयल ड्रॉप और ये किसकी वॉल हो गई हाइफल वॉल हाइफल वॉल क्लियर हो गया ये हो गया एक पोर्शन मैंने हाइफी का शो कर दिया तो ये तो हो गया माइसीलियम बियरिंग स्पोरेंजिया माइसीलियम बियरिंग स्पोरेंजिया ये जो डायग्राम शो हो रहा है ठीक है और ये है पोर्शन या पार्ट कहते हैं आप पोर्शन ऑफ हाइफी तो अब थोड़ी सी बात हाइफी की और कर लेते हैं अगर आप ये समझ गए हैं थोड़ा सा मैं ये सीधा कर देता हूं हां अब हाइफी की जब बात करेंगे हाइफी की ए सेप्टेट है ए सेप्टेट ए सेप्टेट का मतलब क्या है कि आप यहां कहीं भी सेप्टा नहीं देख रहे सेप्टा का मतलब कोई भी ऐसी वॉल नहीं बन रही जो कि उसको सेपरेट कर रही है तो एसेप्टेट हाइफी एसेप्टेट हाइफी ठीक है दूसरी बात सीनोसाइटिक हाइफी सीनोसाइटिक हाइफी ऐसा हाइफी जो कि ए हो, विदाउट सेप्टा एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएट तो ये फंगस म्यूकर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की एसेप्टेट हाइफी एंड सीनोसाइटिक हाइफी कौन सा हाइफी सीनोसाइटिक बिकॉज ड्यू टू दी मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन ऑफ दी हाइफी ठीक है नेक्स्ट एक मैंने डायग्राम में और चीज क्या शो कर रखी है जो रिजर्व फूड मटेरियल से है fifth point reserve food material is in form of in form of oil droplets oil droplets तो ये एक स्ट्रक्चर आपने फंगस म्यूकर की बना दी जिसमें कि आप माइसीलियम शो कर रहे हैं माइसीलियम बियरिंग स्पोरेंजिया यंग स्पोरेंजियम ठीक है हाइफी का मैंने पोर्शन शो करा है याद रखें इसमें एक चीज जरूर याद रख रहे हैं एसेप्टेट हाईफी विदाउट सेप्टा कई जगह मैंने जो पिछले फंगस कराए थे उसमें आपने सेप्टा देख लिए थे तो इसमें क्या है ए सेप्टेट कंडीशन आपको देखने को मिलेगी सो इट कम्प्लीट्स अबाउट देंस एंड हैबिट एंड वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फंगस म्यूकर थैंक यू